नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर में और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं। और आज के इस सेशन में हम आपके अपकमिंग एफकेट एग्जामिनेशन के लिए, जो कि कल से यहां पर स्टार्ट होने वाला है, कल 3rd है और 3rd अक्टूबर को भी बहुत सारे लोगों के यहां पर एग्जामिनेशन है, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने एक नया आपके लिए सेशन बनाया है। और ये एक्चुअली जो है ये हमारा पार्ट नंबर 2 है, ठीक है। इससे पहले भी मैंने आपको इसका एक पार्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया था, आई होप आपने पार्ट नंबर 1 यहाँ पर देख लिया होगा। और अब आज हम यहाँ पर जो डिस्कशन करेंगे इसमें हम पार्ट नंबर 2 के बारे में डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। और लगभग 50 से ज़्यादा हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे जो कि वेरियस एग्जामिनेशन के लिए, आपके एफकेट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। तो आप सभी लोग जिनको भी यहाँ पर आंसर देना है आप लोग आंसर दीजिएगा, जो भी सही आंसर होगा, ठीक है, आप लोगों को मैं यहाँ पर सही आंसर बताऊँगा। और लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि आपका यहाँ पर कितना स्कोर यहाँ पर हुआ है, ठीक है। इससे पहले भी एक सेशन हमने स्टार्ट किया था लेकिन उसमें कुछ साउंड वाला इशू आ गया था और इस वजह से वाला सेशन जो है उसको टर्मिनेट करना पड़ा। लेकिन मैं एक नया सेशन आपके लिए लेकर आया हूँ जिसमें आज हम स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आज शाम को मैं आपको एक और सेशन प्रोवाइड करूँगा जिसमें मैं जिनका कल एग्जामिनेशन है उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है ना यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि पेपर को अटेम्प्ट किस तरीके से करना है, आपका माइंडसेट यहाँ पर क्या होना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो जिनका भी यहाँ पर एफकेट एग्जामिनेशन 3, 4 या 5 तारीख को यहाँ पर होने वाला है, ठीक है, 2-2 शिफ्ट में सबका पेपर होगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में करीब मैंने 50 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, पार्ट नंबर 2 में भी करीब 50 प्लस मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। तो ये दोनों सेशन जो हैं ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं, ठीक है। तो जिन्होंने भी इस सेशन को ज्वाइन किया मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप इस सेशन का लिंक अपने दोस्तों को और जो भी एफकेट एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनको भी यहाँ पर भेज सकते हैं ताकि वो भी इस इंफॉर्मेटिव सेशन को यहाँ पर देख सकें। एक नया कोर्स भी स्टार्ट हुआ है, प्रिपरेशन टूलकिट फॉर एसएसबी इंटरव्यू, ये 11th ऑफ अक्टूबर से होगा, सारी क्लासेस लाइव होंगी, है ना। अगर आप आज रात को 12 बजे तक इसके लिए इनरोल करेंगे तो आपको कुछ डिस्काउंट भी यहाँ पर मिल जाएगा, अदरवाइज इसका प्राइस जो है वो 12 बजे के बाद रात में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, आप उसको यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और उस सेशन को भी यहाँ पर लाइव अटेंड कर सकते हैं। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेशन होने वाला है, बहुत नए अप्रोच से मैं आपको एसएसबी की प्रिपरेशन कराऊंगा जो कि सभी इंटरव्यू में आपके काम आएंगी, ठीक है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि द बुक एंटाइटल्स प्लेइंग इट माई वे हैज बीन ऑथर्ड बाई, ठीक है। एक यहाँ पर ऑटोबायोग्राफी के बारे में बात करी गई है, ठीक है। तो ऑटोबायोग्राफी जो है वो किसकी पूछी जा रही है वो आपको आंसर बताना है, वही हमारा राइट आंसर है। तो आपसे बताना है कि जो प्लेइंग इट माई वे है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर आपके एफकेट एग्जामिनेशन में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है और आपके एफकेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, ठीक है। तो आ सकता है ये क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि प्लेइंग इट माई वे जो है ये किसकी यहाँ पर ऑटोबायोग्राफी है, तो ये प्लेइंग इट माई वे इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ सचिन तेंदुलकर, ठीक है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऑटोबायोग्राफी ऑफ वीवीएस लक्ष्मण, ठीक है। वीवीएस लक्ष्मण की जो यहां पर ऑटोबायोग्राफी है ये भी आपसे पूछी जा सकती है। तो ये है आपका 281 एंड बियॉन्ड, ठीक है। 281 इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्कोर किया था, तो 281 एंड बियॉन्ड जो है ये इनकी यहां पर एक्सेस जो ऑटोबायोग्राफी है वो देखने को मिलेगी। ऑटोबायोग्राफी ऑफ सौरभ गांगुली, ठीक है। सौरभ गांगुली की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है, सौरभ गांगुली की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, ठीक है। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ, आप मुझे ये बताइएगा, फर्स्ट इंडियन हु टुक हैट्रिक इन वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप में जो हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है चेतन चौहान, ठीक है। तो ये वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले जो हैं ये पहले खिलाड़ी हैं, भारतीय खिलाड़ी हैं ये, तो इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो ये 4 मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक क्वेश्चन के साथ यहाँ पर बता दिया। और क्रिकेट वगैरह से रिलेटेड तो इन्फॉर्मेशन कई बार पूछी जाती है, ठीक है, तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था और इसके सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर जो जो बन सकते थे उसके आंसर मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द टेनिस स्टार टू बिकम वर्ल्ड नंबर 1 सीड एट द यंगेस्ट एज, यंगेस्ट एज में जो है आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो सबसे यहाँ पर मतलब वर्ल्ड नंबर 1 बनी थी टेनिस में वो प्लेयर कौन थी, ठीक है। तो स्टेफी ग्रैफ, मोनिका सेलेस, क्रिस एवर्ट या फिर मार्टिना हिंगिस, आपको बताना है इसका जो हमारा राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या है,
बताइए। ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है दैट इज मार्टिना हिंगिस। मार्टिना हिंगिस जो है वो मिक्स डबल्स भी यहां पर खेलती थी। हमारे एक प्लेयर है जिनका नाम है लिएंडर पेस, तो लिएंडर पेस के साथ इन्होंने यहां पर जो मिक्स डबल्स हैं टेनिस में वो भी यहां पर खेला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। सो राइट आंसर इज मार्टिना हिंगिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट कंट्री टू लीगलाइज मेडिकल असिस्टेड सुसाइड इज, ठीक है, मेडिकल असिस्टेड जो यहां पर सुसाइड है, ठीक है, उसके बारे में ये बात हो रही है। ठीक है, बेसिकली हम यहां पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, यूथेनेशिया के बारे में बात कर रहे हैं, यूथेनेशिया। तो बेसिकली यूथेनेशिया क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है, तो हमारे यहां पर क्या है कि ऐसा प्रोविजन देना उस कंट्री में कहां पर स्टार्ट किया गया था कि भाई आपको यहां पर इच्छा मृत्यु दी जा सकती है, ठीक है, कि आप मरना चाहते हो तो आपको यहां पर इच्छा मृत्यु दे दी जाए। लेकिन हमारे देश में क्या है कि हमारे देश में राइट टू लाइफ तो है लेकिन राइट टू डेथ नहीं है, ठीक है भाई, आप अपनी जान खुद यहाँ पर ले नहीं सकते, जो नेचुरल डेथ होती है वो देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले जो लीगलाइज किया था मेडिकली असिस्टेड सुसाइड, तो ये किया था नीदरलैंड ने। नीदरलैंड की जो कैपिटल है ये है एम्स्टर्डम, ठीक है, तो ये आपको मिलेगी एम्स्टर्डम, और एम्स्टर्डम जो है वो नीदरलैंड की कैपिटल है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैपिटल वगैरह के ऊपर हर बार आपके एफकेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई सारी कैपिटल मैंने आपको अपने रेगुलर जो क्लासेस होती हैं उसमें बताई हुई हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। सो नीदरलैंड इज द राइट आंसर। स्विट्जरलैंड में एक सिटी है जिसका नाम है डाउस। डाउस में किसकी मीटिंग होती है, ये होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, ठीक है, लेकिन स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है ये क्या है, ये आपको बर्न यहां पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सिविलाइजेशन ऑफ अर्ली वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज जो है यहां पर, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सिविलाइजेशन ऑफ अर्ली वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज के बारे में जो हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो कौन करता है, ठीक है, नीदरलैंड इज द राइट आंसर। न्यूजीलैंड नहीं है, नीदरलैंड है जिसने सबसे पहले यहां पर जो मेडिकली एड यहां पर डेथ थी वो यहां पर प्रोवाइड करना स्टार्ट किया था। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है कौन सा वेद है, तो ये मिलेगा आपको ऋग्वेद, ठीक है, ये आपका ओल्डेस्ट वेद है ना, ये आपका ओल्डेस्ट वेद है। इसमें 1024 आपको मंत्र देखने को मिलेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र भी आपको ऋग्वेद में देखने को मिलेगा, ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज में ये लिखा गया है, और गायत्री मंत्र जो है ये सावित्री माता को डेडिकेटेड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सामवेद जो है ये आपको म्यूजिक से रिलेटेड देखने को मिलेगा। हमारा जो आयुर्वेद है ये अथर्ववेद से निकलकर सामने आया है ना, आयुर्वेद अथर्ववेद से निकलकर सामने आया है, और ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। बाण भट्ट वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ विच एम्परर, कौन से एम्परर के जो बाण भट्ट थे वो यहां पर कोर्ट पोइट थे, विक्रमादित्य के थे, कुमारगुप्त के थे, हर्षवर्धन के थे, या फिर कनिष्क के थे, आपको बताना है इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा। बाण भट्ट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है जिसका नाम है हर्षचरित्र, ठीक है, हर्षचरित्र, तो ये किताब भी आप ध्यान रखिएगा। ये किताब किसने लिखी है, ये बाण भट्ट ने लिखी है और हर्षवर्धन के ऊपर यहां पर लिखी हुई है। सो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन के बीच में, ठीक है, जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन की और पुलकेशिन टू की, ठीक है, यहां पर लड़ाई हुई थी, हर्षवर्धन और पुलकेशिन टू की लड़ाई हुई थी, आपको बताना है कि कौन से रिवर के किनारे इन दोनों की लड़ाई हुई थी। बताइए, हर्षवर्धन एंड पुलकेशिन की जो लड़ाई हुई थी, ठीक है, उनकी लड़ाई कौन सी रिवर के किनारे हुई थी, ठीक है, तो इसमें पुलकेशिन जो जीता था और इसकी जो लड़ाई हुई थी ये नर्मदा रिवर के किनारे हुई थी, ठीक है। नर्मदा रिवर कहाँ से निकलती है, ये अमरकंटक से निकलती है, और नर्मदा रिवर जो है ये कहाँ पर मिलती है, ये अरेबियन सी में मिलती है, ठीक है, तो ये आपका ईस्टर्न फ्लोइंग यहाँ पर रिवर है, ठीक है, तो ये अरेबियन सी में है और ये डेल्टा नहीं बनाती है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन जो है ये हमारा सही उत्तर है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 6। द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया इज, ठीक है, जो फादर हैं एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट के इंडिया में वो कौन है, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, वल्लभ भाई पटेल, या फिर बाल गंगाधर तिलक।
द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया इज, द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया इज नोन एज, ठीक है। तो ये मोतीलाल नेहरू, ठीक है, जिन्होंने यहां पर स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी, है ना, इन्होंने जो स्वराज पार्टी है उसकी यहां पर स्थापना करी थी, स्वराज पार्टी, ठीक है। तो स्वराज पार्टी की स्थापना का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, ये जाता है मोतीलाल नेहरू, और उसके बाद एक थे आपके सी आर दास, चित्रंजन दास, ठीक है, उनको यहां पर ये जाता है। और ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1922 में। और इसका जो हमारा राइट आंसर है ये हमारा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने तिलक और मराठा, ठीक है, ये दो न्यूज़पेपर भी निकाले थे। मराठा जो था वो इंग्लिश न्यूज़पेपर था। इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ठीक है। तो ये भी कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द आई कलर विजन इज अफेक्टेड बाई द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि ये जो कलर ब्लाइंडनेस होती है या कलर विजन जो अफेक्टेड होता है वो किसकी वजह से होता है, कोराइट कोट या फिर स्कल कॉटिक कोट या फिर रॉड्स या फिर कोन्स, आपको बताना है इसका जो हमारा राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। इन द आई कलर विजन इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ, इन द आई कलर विजन इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ रॉड्स होगा या कोन्स, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज कोन्स, ठीक है। कोन्स की प्रेजेंस की वजह से यहां पर कलर ब्लाइंडनेस आपको देखने को मिलेगी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इसकी वजह से कलर ब्लाइंडनेस वाला जो फिनोमिना है ये आपको होता हुआ दिखाई देता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वेयर आर मोस्ट ऑफ द अर्थ एक्टिव वॉल्केनोज, ठीक है, कंसंट्रेटेड। ज्यादातर जो हमारी पृथ्वी के जो एक्टिव वॉल्केनो हैं वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, यूरोप में देखने को मिलेगा, पैसिफिक ओशन में देखने को मिलेगा, अफ्रीका में देखने को मिलेगा, या फिर साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अर्थ के जो ज़्यादातर एक्टिव वॉल्केनोज हैं वो कहाँ पर हैं, वो हैं आपके पैसिफिक ओशन, ठीक है, जिसको हम रिंग ऑफ फायर भी यहाँ पर कहते हैं, ठीक है, रिंग ऑफ फायर, है ना। बहुत सारे यहाँ पर आपको एक्टिव वॉल्केनोज जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सो राइट आंसर इज पैसिफिक ओशन। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, Who among the following are not appointed by President of India? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनमें से किसका अपॉइंटमेंट नहीं होता है? गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स, चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इनमें से कौन सा पोस्ट है जिसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं किया जाता, ठीक है। तो गवर्नर ऑफ द स्टेट्स हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, या फिर चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आपको बताना है इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा, ठीक है। देखिए, गवर्नर ऑफ द स्टेट्स की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स की भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ना, उसकी नियुक्ति थोड़ा ना करता है वो, वाइस प्रेसिडेंट का तो एक इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन में वो वोट डालते हैं सभी, जो भी इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड एमपी होते हैं, ठीक है, इलेक्टेड, ठीक है, प्लस नॉमिनेटेड, ये जो दोनों एमपी होते हैं इनको यहाँ पर क्या करते हैं, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड जो एमपी होते हैं वो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाते हैं, ठीक है, उनको इलेक्ट किया जाता है, ठीक है, उनको यहाँ पर अपॉइंट नहीं किया जाता। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच रूलर्स बिल्ड द एलोरा टेम्पल, जो एलोरा टेम्पल है उसको कौन से रूलर्स ने यहाँ पर बनवाया था, चालुक्यास ने बनवाया था, सुंग ने बनवाया था, राजकूटा या फिर पल्लवा। तो यहाँ पर क्या है कि ये सारी की सारी जो हैं ये अलग अलग डायनेस्टीज आपको देखने को मिल रही हैं। तो एलोरा टेम्पल जो है ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, औरंगाबाद में। और उसके बाद अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसको बनवाया किसने था, तो इसको बनवाने का जो क्रेडिट यहाँ पर जाता है ये जाता है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्टली आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वेयर इज द बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर है, ठीक है, क्या बताना है आपको, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका जो यहां पर हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, ठीक है, लखनऊ में है,
दार्जिलिंग में है, कोलकाता में है, या फिर ओटाकमन, ठीक है, जिसको हम ऊटी बोलते हैं, ठीक है। तो कहाँ पर आपको ये हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो हमारा सही उत्तर है वो यहाँ पर क्या होगा, तो ये मिलेगा आपको बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर जो है ये मिलेगा आपको कोलकाता में। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कोलकाता में, ठीक है। इसका फाउंडेशन जो हुआ था वो 19th century में हुआ था, 1890 में, ठीक है। और उसके बाद ये भी ध्यान रखिएगा, इसकी जो मिनिस्ट्री है ये है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये आपके CDS एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, वैसे बहुत ही आसान है ना, बॉटनिकल सर्वे तो एनवायरमेंट बहुत ही आसानी से आप इसको गैस भी कर सकते हो। सही उत्तर क्या है भाई, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ऑन विच रिवर हैज नारायण सेतु बीन बिल्ट, ठीक है, नारायण सेतु डैम कौन सी रिवर पर बनाया गया है, ठीक है, नारायण सेतु जो डैम है वो कौन सी रिवर पर बनाया गया, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, महानदी या फिर गोदावरी, बताइए इसका उत्तर यहां पर क्या होगा जो कि सही आंसर होगा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी या फिर गोदावरी, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये आपको आसाम में देखने को मिलेगा और ये ब्रह्मपुत्रा में देखने को मिलता है, ठीक है। आपसे पेपर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अलावा पूछा जा सकता है, अदर्स नेम ऑफ ब्रह्मपुत्रा के ऊपर, ठीक है, जो अदर्स नेम होते हैं। अब जैसे ये कहां से निकलती है, ये तिब्बत से निकलती है, तो तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सैंगपो रिवर, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, यही जो है ये आपके लिए सबसे ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, ये आपको यहां पर देखने को मिला। उसके बाद इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम यहां पर बोलते हैं सियांग या डिहांग, ठीक है, ये भी नाम से यहां पर जाना जाता है। इसको कहां पर बोलते हैं, ये बोलते हैं हम अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, सैंगपो तो इसको यहां पर कहा जाता है, लेकिन इसके आगे इसका एक इनिशियल नेम भी है, यारलिंग सैंगपो, ठीक है, यारलिंग सैंगपो इसको पूरा नाम कहा जाता है। उसके बाद जब ये आसाम में आती है तो इसको अरुणाचल प्रदेश यहां पर कहा जाता है। जब ये आसाम में आती है तो इसको ब्रह्मपुत्र यहां पर कहा जाता है, ठीक है। सो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है, व्हाई डिड हंटर कमीशन अपॉइंटेड बाय द वॉइसराय प्रूव, ठीक है, हंटर कमीशन को यहां पर किस लिए यहां पर अपॉइंट किया गया था, ठीक है, बारडोली सत्याग्रह, खिलाफत एग्रीटेशन, और उसके बाद जलियावाला बाग ट्रेजेडी, या फिर चौरा चोरी इंसिडेंट, आपको बताना है इसका सही उत्तर यहां पर क्या होगा। हंटर कमीशन के बारे में अगर बात करी जाए तो बारडोली सत्याग्रह का जो टाइम पीरियड है ये है आपका 1928, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जो सरदार की उपाधि दी गई थी, यहाँ की जो वुमेन थी उन्होंने इस सत्याग्रह के दौरान उनको ये उपाधि दी थी। खिलाफत एग्रीटेशन जो था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 1919-1920 के टाइम पीरियड ही आपको देखने को मिलेगा। जलियावाला बाग ट्रेजेडी जो थी ये 1919-13 अप्रैल को यहाँ पर देखने को मिली है ना, और चौरा चौरी इंसिडेंट जिसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने बाहर ले लिया गोरखपुर में एक इंसिडेंट के बाद, तो ये 1922 का है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि हंटर कमीशन यहाँ पर जो अपॉइंट किया गया है, ठीक है, ये किसके लिए किया गया, ये जलियावाला बाग ट्रेजेडी के लिए किया गया था। सो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा राइट आंसर है, रॉलेट एक्ट का विरोध यहाँ पर किया जा रहा था। विच इज़ द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, जो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है वो यहाँ पर कौन सा है, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, मानस, पेंच या फिर कॉर्बेट, आपको बताना है कि इनमें से जो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है वो यहाँ पर कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम सभी को बताएं कि टाइगर रिजर्व जो यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था वो कब स्टार्ट किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था, ठीक है, 1973 में, ठीक है, और 1973 में ये एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट केस भी है, केशवानंद भारती केस है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आपको ध्यान रखिएगा, केशवानंद भारती केस जिसको हम टाइगर केस के नाम से भी जानते हैं। ये किसके बारे में बात करता है, ये बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसके बारे में ये बात यहाँ पर करता है। तो नागार्जुन जो श्रीशैलम यहाँ पर टाइगर रिजर्व है, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व ये जो है ये सबसे बड़ा यहाँ पर टाइगर रिजर्व आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है। मानस जो है वो कहाँ पर है भाई, मानस जो है ये आपको आसाम में देखने को मिलेगा,
ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व, ये आपको एमपी में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कॉर्बेट जो है ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, ठीक है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सबसे ज्यादा जो टाइगर है वो कौन से स्टेट में है, वो है आपके एमपी में, सेकंड नंबर पर कर्नाटका एंड थर्ड नंबर पर उत्तराखंड, ठीक है। तो ये भी कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ये आपको दिया हुआ है, हु इज द कॉम्पिटेंट टू डिसॉल्व द राज्यसभा। राज्यसभा को डिसॉल्व करने का ये जो मतलब किसके पास ज्यादा अधिकार है, मतलब कॉम्पिटेंट कौन है जो राज्यसभा को यहां पर डिसॉल्व कर सकते हैं। द चेयरमैन राज्यसभा, द प्रेसिडेंट, ठीक है, द ज्वाइंट कमीशन, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, या फिर नन ऑफ दी एबो। आपको बताना है इसका जो हमारा सही उत्तर है वो यहां पर क्या होगा। ऐसा एक क्वेश्चन जो है वो अलग फॉर्म में आपके प्रीवियस ईयर एफकेट एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछा गया है, ठीक है। तो राज्यसभा को डिसॉल्व करना जो है वो किसी के अधिकार में नहीं है, क्यों? क्योंकि भाई राज्यसभा जो है एक परमानेंट हाउस है ना, ये आपका एक परमानेंट हाउस यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और परमानेंट हाउस का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो 1/3 मेंबर हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं, 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं हर 2 साल में, ठीक है। 2 ईयर में 1/3 मेंबर जो है ये रिटायर होते हैं। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो 230 लोग स्टेट से आते हैं, ठीक है, 20 यूनियन टेरिटरी और 2 यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर जो टोटल अगर हम बात करेंगे इनके जो टोटल मेंबर्स हैं, ठीक है, इसमें कितने होते हैं भाई, तो इसमें जो टोटल आपको मेंबर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये राज्यसभा है इसलिए यहाँ पर ये 238 आपको देखने को मिलेंगे इलेक्टेड, और 12 जो होते हैं ये नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है। ये आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, ये प्रेसिडेंट यहाँ पर नॉमिनेट करते हैं। लोकसभा में बात करेंगे तो 530 स्टेट से आते हैं, 20 यूनियन टेरिटरी से आते हैं और 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, जिसको इस साल से यहां पर समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है, परमानेंट हाउस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस, है ना, पहले इंडियन नेटिव रूलर कौन थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स का जो ये सब्सिडरी अलायंस था उसको यहां पर एक्सेप्ट किया था, ठीक है। आपको बताना है इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो यहां पर क्या होगा। सब्सिडरी अलायंस में देखो बेसिकली ये था कि भाई ब्रिटिशर आपके ऊपर रूल अटैक नहीं करेंगे, लेकिन आपको उनकी आर्मी वगैरह जो है ना उसके खर्चे के लिए यहां पर पैसे वगैरह भेजने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस वजह से यहां पर क्या है कि उनको ऊपर अटैक नहीं होगा, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे 18-19 सेंचुरी में आप देखोगे कि बहुत सारे राजा लोग थे जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस यहां पर एक्सेप्ट कर लिया था। सबसे पहले किसने किया था, सबसे पहले किया था सिंधिया ऑफ ग्वालियर, निजाम ऑफ हैदराबाद, दलीप सिंह ऑफ पंजाब या गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, निजाम ऑफ हैदराबाद जो है ये आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डिड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कौन से एक्ट के तहत जो हैं, ठीक है, वो यहां पर क्या है, आप ये कह सकते हैं कि जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यहां पर बना दिया गया। द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, है ना, पिट्स इंडिया एक्ट, द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 या द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब देखिए यहां पर क्या है कि कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे हम पहले बंगाल के बारे में बात कर लेते हैं, तो बंगाल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहां पर 2 चीजें हैं। पहली बात कि पहला गवर्नर कौन था, तो पहला गवर्नर जो था वो लॉर्ड क्लाइव था, ठीक है, और लास्ट कौन था भाई, लास्ट गवर्नर, तो लास्ट गवर्नर था हेस्टिंग्स, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बंगाल में क्या हुआ कि गवर्नर जनरल बन गए, तो बंगाल का जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था वो कौन था, वो था हेस्टिंग्स, ठीक है, और जो लास्ट यहां पर था वो कौन था, वो था बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन सब सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत हमने क्या कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, ये थे बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उस टाइम पीरियड पर गवर्नर थे। उसके बाद पोस्ट हो गई गवर्नर जनरल एंड वॉइसराय ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट कौन थे, फर्स्ट थे आपके कैनिंग, है ना। और लास्ट यहां पर जो गवर्नर जनरल थे, ब्रिटिश गवर्नर जनरल, उनका नाम क्या था, उनका नाम था माउंटबेटन, है ना। पहले इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे, वो थे राजा जी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, है ना। अब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, है
है ना, इंडिपेंडेंट इंडिया जो है उसके पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो कई लोग राजा जी और माउंटबेटन में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों को आंसर क्या करना है, आप लोगों को आंसर लगाना है माउंटबेटन, क्योंकि माउंटबेटन 1948-49 में वापस यहां पर गया था। ठीक है, तो पहले इंडियन गवर्नर जनरल जो थे वो राजा जी थे, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद जो पहले गवर्नर जनरल थे वो माउंटबेटन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, लॉर्ड मैकले इज एसोसिएटेड विद। अब यहां पर बात हो रही है लॉर्ड मैकले की, तो लॉर्ड मैकले जो है वो किससे एसोसिएटेड है, आर्मी में रिफॉर्म्स इन आर्मी, एबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम, इंग्लिश एजुकेशन, या फिर परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, तो आपको बताना है इसका हमारा जो राइट आंसर है वो यहां पर क्या होगा। लॉर्ड मैकले जो थे वो किस चीज को लेकर आए थे, मतलब आज हम ये सब क्वेश्चन वगैरह जो है ये सब कुछ हम इंग्लिश में यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, और इसका जो पूरा का पूरा श्रेय जाता है वो किसको जाता है, वो लॉर्ड मैकले को जाता है। ठीक है, तो ये इंग्लिश एजुकेशन से यहां पर एसोसिएटेड है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, इन विच ईयर डिड स्वामी विवेकानंद पार्टिसिपेट द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस एट शिकागो। तो बेसिकली यहां पर यह है कि स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में एक बहुत ही फेमस यहां पर स्पीच दी थी, जिसमें भाइयों और बहनों कहकर इन्होंने वहां के लोगों को संबोधित किया था। तो ये कौन से साल में हुआ था? अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु जी थे उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि रामकृष्ण परमहंस मिशन की जो स्थापना की थी वो किसने करी थी, वो करी थी स्वामी विवेकानंद जी ने। इनके जो बचपन का नाम था, इनके बचपन का नाम था नरेंद्र, है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और ये ईयर है 1893। इसको याद करने का क्या तरीका है, 1885 में INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की यहाँ पर स्थापना होती है। ठीक है, और उसके बाद ये प्लस 8 कर दो आप, तो 1893 आप इस तरीके से इसको यहाँ पर याद कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ याद करने का एक तरीका मैंने आपको बताया, आपके पास इससे ज़्यादा अच्छे तरीके हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का जो पिता है वो किसको कहा जाता है, बताइए। इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा, ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। तो यहां पर क्या दिया गया, राजा राममोहन राय, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, या व्योमकेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, इसका हमारा जो सही उत्तर है वहां पर क्या बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ये है राजा राममोहन राय, फादर ऑफ रेनेसेंस। राजा राममोहन राय जी ने 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर, ठीक है, जो सती प्रथा है ना, उसको यहां पर खत्म करवाया। जो सती प्रथा थी उसको यहां पर इन्होंने खत्म किया। राजा राममोहन राय को अकबर टू ने, है ना, अकबर टू जो थे उन्होंने कहां भेजा था, उन्होंने इनको इंग्लैंड भेजा था, है ना, क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो यहां पर, जो मुगल्स थे ना, उनको पेंशन यहां पर प्रोवाइड करते थे, तो इसीलिए यहां पर जो है वो कहा जा रहा है कि अकबर टू ने इनको इंग्लैंड यहां पर भेजा था। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हु रोट द फेमस ड्रामा नील दर्पण विच डिपिक्टेड द एगोनी ऑफ द इंडिगो कल्टीवेटर्स एंड ब्रुटैलिटी ऑफ द प्लांटर्स। ठीक है, जो इंडिगो कल्टीवेटर्स हैं उनसे रिलेटेड यहां पर यह बात है, और उन्हीं सब चीजों को इस पर्टिकुलर बुक में, ये जो ड्रामा यहां पर लिखा गया है इसमें यहां पर बताया गया है। तो ये ड्रामा किसने लिखा है, हरीशचंद्र मुखर्जी ने, ठीक है, दीन बंधु मित्र, शिशिर कुमार घोष, या फिर राम गोपाल घोष। ठीक है, आपको बताना है इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो यहां पर क्या होगा। ठीक है, हाँ, इसमें एक चीज आप यहां पर और ऐड कर सकते हैं, इसमें ब्रह्म समाज, ठीक है, ये ब्रह्म समाज हो गया आपका, कई बार बताया मैंने आपको ये चीज, ब्रह्म समाज हो गया, और आत्मीय सभा, है ना, इनके जो फाउंडर है ये भी राजा राममोहन राय आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, आत्मीय सभा। चलिए, सो ये हो गया हमारा, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ये है आपका दीन बंधु मित्र। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विश्वास जो ब्रदर्स थे उन्होंने यहां पर जो इंडिगो रिवॉल्ट था उसको लेकर आगे आए थे, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वॉज लेड बाई। लखनऊ में जो 1857 का रिवॉल्ट था, ठीक है, इसको आगे लेकर कौन बढ़े। ठीक है, क्वेश्चन कौन है, क्वेश्चन दिया है द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वॉज लेड बाई,
बेगम, हजरत महल, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई या फिर नाना साहब, बताइए। बेगम, हजरत महल या फिर तात्या टोपे या फिर रानी लक्ष्मीबाई या फिर नाना साहेब। ठीक है, सो राइट आंसर इज बेगम हजरत महल। अच्छा, ये जो 1857 का रिवॉल्ट था, इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने बोला था? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो यहाँ पर बताया गया था वो किसने बताया था इनको? ये बोला था वी डी सावरकर ने। ठीक है, वी डी सावरकर जी ने। ठीक है, सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और एक चीज़ ये भी पूछा जा सकता है आपसे, है ना, कि ये 1857 का रिवॉल्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो दो ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास, एक हो सकता है मेरठ और एक हो सकता है बैरकपुर। ठीक है, एक हो सकता है बैरकपुर, तो मंगल पांडे जी ने बैरकपुर में अलग से यहाँ पर स्टार्ट करवा दिया था। ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो यहाँ पर पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? ये प्रीवियस ईयर एफकेट एग्जामिनेशन में आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आया हुआ है। इसमें कुछ और चीज़ें हैं, जैसे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट कौन थे? तो वो थे व्योमकेश चंद्र बैनर्जी। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ब्रिटिशर, जो पहले ब्रिटिशर्स थे वो कौन थे? ये प्रीवियस ईयर एफकेट में पूछा गया है, ये थे जॉर्ज यूले। ठीक है, जॉर्ज यूले जो थे ये पहले थे ब्रिटिशर जो आईएनसी के प्रेसिडेंट बने। उसके बाद फर्स्ट वुमेन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट वुमेन कौन थी? तो ये थे आपके एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट इन्होंने ये बनी थी। फर्स्ट इंडियन वुमेन भी आपसे पूछा जा सकता है कि पहले इंडियन वुमेन कौन थे? तो पहले इंडियन वुमेन जो थी वो थी आपकी सरोजनी नायडू, भारत की कोकिला सरोजनी नायडू। ठीक है, गांधी जी कब बने थे? गांधी जी बने थे आपके 1924 में। ठीक है, बेलगाम वाला जो हुआ था वहां पर गांधी जी केवल एक ही बार बने। जब भारत आजाद हुआ तब जो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे उनका नाम था एम.ए. अंसारी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1916 का जो लखनऊ वाला हुआ था उसमें थे एम.सी. मजूमदार। 1907 में जो स्प्लिट हुई थी सूरत में उसमें थे राज बिहारी घोष। 1929 में जो यहाँ पर कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करी गई थी उसमें कौन थे? उसमें थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट से बेसिक से फैक्ट हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। सो राइट आंसर जो है ये हमारा कौन सा है? ये है हमारा बदरुद्दीन तैयब जी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड द हिस्टोरिक यूनियन ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग टेक प्लेस? तो यहां पर क्या था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है उनके बीच में जो यूनियन हुआ था, मतलब उनकी जो दोस्ती हुई थी, वो कौन से सेशन में हुई थी? सूरत में, बॉम्बे में, कैलकटा में या फिर लखनऊ में? तो 1916 का जो लखनऊ सेशन था वो दो चीज़ों के बारे में जाना जाता है। पहली बात, इसमें जो एक्सट्रीमिस्ट थे और जो मॉडरेट थे, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड जो यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बन गया था और जो मॉडरेट ग्रुप बन गया था, उनकी दोस्ती हुई। और 1916 में ही जो ये मुस्लिम लीग है और जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इनके बीच में भी यहाँ पर दोस्ती होती हुई आपको दिखाई दी। सो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, कभी कभी ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं आपसे कि जो मुस्लिम लीग है, ठीक है, मुस्लिम लीग का जो फाउंडेशन हुआ था वो कब हुआ था, है ना, ये भी क्वेश्चन कुछ कुछ पूछा जा सकता है आपसे। तो मुस्लिम लीग का जो फाउंडेशन हुआ था वो कब किया गया था, बताइए। इसका क्वेश्चन बताइए, आंसर क्या होगा? फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग। ठीक है, तो ये हुआ था 1906 में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 25 दिया जा रहा है कि इन विच ईयर लॉर्ड हार्डिंग कैंसिल द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था वो लॉर्ड हार्डिंग ने कौन से साल में यहां पर जो है वो बदल दिया था? ठीक है, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ कब था? ये हुआ था 1905। उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन थे? वॉइस रॉय, वो थे आपके लॉर्ड कर्जन। ये प्रीवियस ईयर एफकेट एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो लॉर्ड हार्डिंग थे इन्होंने कैंसिल किया। अब ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से वॉइस रॉय ने यहाँ पर इसको कैंसिल किया था। ये आपका टेरिटोरियल आर्मी 2019 का जो पेपर है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये था 1911। 1911 में एक और चीज़ होती है जो बोलते हैं दिल्ली, यहाँ पर कैपिटल को ट्रांसफ़र किया गया था। ठीक है, दिल्ली जो है वो कैपिटल यहाँ पर ट्रांसफ़र हुई थी 1911 में।
तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। वन ऑफ द रीजन्स दैट रिसीव रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर मॉनसून इज, जो नॉर्थ ईस्ट यहां पर मॉनसून होता है उसकी वजह से इनमें से कौन सा रीजन है जहां पर बारिश होती है? वेस्ट बंगाल में होता है, आसाम में, केरला या फिर तमिलनाडु? आपको बताना है कि इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो यहां पर क्या होगा, बताइए इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि अगर हम प्यारे भारत का एक मैप बनाएं तो यहां पर ये नॉर्थ, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। ठीक है, यहां पर हो गया आपका अरेबियन सी और यहां पर हो गया आपका बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी से गाड़ी ऊपर उठती है, इधर बन गए हिमालय, हिमालय से टकराने के बाद ये वापिस आते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, दो नाम से जानते हैं, एक को बोलते हैं हम रिट्रीटिंग मॉनसून, है ना, या इसको हम बोल सकते हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। ठीक है, दोनों नाम से आप इसको बुला सकते हैं, और ये होता है आपका साउथ वेस्ट मॉनसून। ठीक है, इंडिया में जो ज़्यादा बारिश होती है वो कौन करवाता है, वो करवाता है साउथ वेस्ट मॉनसून। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। मासिमराम, चेरापूंजी दो जगह हैं मेघालय में जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो यहाँ पर जो ये बारिश होती है ठंडी में बारिश, है ना, ठंडी में बारिश कहाँ होती है, ये तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। द ग्रीन कलर सीन इन फायर वर्क डिस्प्ले इज ड्यू टू द क्लोराइड सॉल्ट ऑफ, इनमें से किसका क्लोराइड सॉल्ट होता है जिससे जो ये फटाके वगैरह होते हैं उसमें ग्रीन कलर आपको देखने को मिलेगा? ठीक है, सोडियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम या फिर कैल्शियम? आपको बताना है इसका हमारा जो सही उत्तर है वो यहां पर क्या है, सोडियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम या फिर कैल्शियम, किसके क्लोराइड होते हैं जिससे फटाकों में यहां पर ग्रीन कलर आपको देखने को मिलेगा? तो इसका जो सही उत्तर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रॉन्शियम से आपको रेड देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये भी याद रखना कि जो ब्लड होता है, ब्लड में क्या होता है भाई, हीमोग्लोबिन, है ना, हीमोग्लोबिन में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आयरन देखने को मिलेगा, है ना, और उसके बाद जो क्लोरोफिल होता है, ठीक है, जो पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से पत्तियों का कलर कैसा होता है, ग्रीन, इसमें आपको मैग्नीशियम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि ब्लड में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में आपको ये आयरन देखने को मिलेगा, ठीक है, लेकिन जो पत्तियां होती हैं उसमें क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल की वजह से ही पत्तियों का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, उसमें क्या होता है, उसमें मैग्नीशियम होता है। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 28। द फर्स्ट सुल्तान टू दिल्ली टू इशू रेगुलर करेंसी एंड डिक्लेयर दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर, ठीक है, जिन्होंने रेगुलर करेंसी का यहाँ पर प्रयोग किया, है ना, उसको रिलीज किया और साथ ही साथ जो दिल्ली है उसको यहाँ पर डिक्लेयर किया अपना कैपिटल। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका हमारा सही उत्तर यहाँ पर क्या है। ठीक है, इल्तुतमिश हो गया, ठीक है, आलम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन। ठीक है, अब ये थोड़ा सुल्तान वगैरह से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आया है, तो यहाँ पर एक डाउट पूछा गया था, वो क्वेश्चन ये था, ठीक है, मैंने सोचा था कि उसको लास्ट में कवर करूंगा, बट ये क्वेश्चन आ गया तो मैं बता देता हूँ। ब्रिटिशर जो थे ना, ब्रिटिशर्स ने जो सबसे लास्ट में यहाँ पर एनेक्स किया था कौन सा स्टेट, तो वो था त्रावणकोर। ठीक है, जो त्रावणकोर यहाँ पर स्टेट है उसको सबसे लास्ट में एनेक्स किया था। तो ये पूछा जा रहा है कि पहले सुल्तान कौन थे जिन्होंने रेगुलर करेंसी यहाँ पर इशू करी और दिल्ली को कैपिटल बनाया, तो ये थे आपके इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश कौन सी डायनेस्टी के थे, स्लेव। अच्छा, स्लेव डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई, स्लेव डायनेस्टी जो है जिसको हम ममलूक डायनेस्टी भी कहते हैं, है ना, जिसके फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिनको मोहम्मद घोरी पीछे छोड़कर गया था, तो स्लेव डायनेस्टी हो गई। स्लेव डायनेस्टी के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा, देखो ये हो गए आपके खिजिर, है ना, खिजिर खान, मतलब ये हो गई आपकी सैयद डायनेस्टी यहाँ पर, और यहाँ पर हो गई आपकी लोदी डायनेस्टी, यहाँ पर हो गई आपकी सेकेंड नंबर पर खिलजी डायनेस्टी, और यहाँ पर हो गए आपके तुगलक। ठीक है, ये हो गए आपके तुगलक। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर पूरा करवाया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हुई थी पोलो खेलते टाइम, जिसको हम चौगन भी कहते हैं। ठीक है, चौगन। इल्तुतमिश को स्लेव्स ऑफ स्लेव भी कहा जाता है। ठीक है, स्लेव्स ऑफ स्लेव, ये भी आपको ध्यान रखना है। बलबन जो है, इसने नवरोज, एक पर्शियन फेस्टिवल था, वो स्टार्ट किया था, पैबोस, जमीन बोस, ये सब चीज़ों भी उन्होंने यहाँ पर स्टार्ट करी थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग बिकेम अ मेंबर ऑफ द दीन ए इलाही। ठीक है, दीन ए इलाही का जो मेंबर थे वो कौन बने थे,
आप सभी को बताया कि दीन इलाही जो था एक धर्म था, ठीक है, जो अकबर ने यहाँ पर चलाया था। अब देखिए दीन इलाही के लिए इन्होंने क्या किया था, एक इबादत खाना बनवाया था, ठीक है। इबादत खाना क्या था, एक बेसिकली हॉल था जहाँ पर हर एक धर्म समुदाय के लोग, उल्लेमाज भी आते थे, पंडित पुजारी महंत लोग भी आते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क भी आते थे, जैन मुनि भी आते थे, और सब लोगों को क्या करना है कि सहनशीलता यहाँ पर दिखानी है ना, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको यहाँ पर बनाया गया था। तो इबादत खाना जो है ये कहाँ पर था, ये था फतेहपुर सीकरी, ठीक है। फतेहपुर सीकरी अगर आप आगरा से थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ पर ये आपको फतेहपुर सीकरी देखने को मिलेगा, ठीक है। सो इसमें ये जो दीन इलाही धर्म था ये बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं हो पाया, इनके जो कोर्ट के लोग थे केवल वही यहाँ पर बन पाए, ठीक है। तो राजा बीरबल जो है ये हमारा राइट आंसर है। टोडरमल भी इनके नौ रत्नों में से एक थे और इनके पास फाइनेंस का डिपार्टमेंट था। राजा मानसिंह इनके सेनापति थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अकबर की एक पॉलिसी थी है ना राजपूत को लेकर, तो राजा मानसिंह राजपूत थे और इनको हाई पोस्ट यहाँ पर दी गई थी, ठीक है। तानसेन जो है ये रामधनु पांडे, ये ग्वालियर से बिलोंग करते हैं है ना, ग्वालियर मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश एक सम्मान देता है जिसको बोलते हैं कालिदास सम्मान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कालिदास सम्मान जो है वो आपको कौन सी सरकार देती हुई दिखाई देगी, वो मध्य प्रदेश सरकार देखने को मिलेगी। शौर्य स्मारक अभी बनाया गया है ना कुछ साल पहले, वो आपको भोपाल में यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 साइंस का क्वेश्चन है। फ्यूज वायर है ना, फ्यूज वायर इज कैरेक्टराइज्ड बाई, जो फ्यूज वायर यहाँ पर होते हैं ठीक है, वो उनका रेजिस्टेंस मेल्टिंग पॉइंट वगैरह कैसा क्या होना चाहिए, उनके बारे में बात हो रही है। हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, या फिर लो रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, आपको बताना है इसका जो हमारा सही उत्तर है वो यहाँ पर क्या होगा, बताइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है बल्ब का फिलामेंट है ना, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, बल्ब का फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। इस बार के एनडीए एग्जामिनेशन में ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। अब बल्ब का फिलामेंट क्या है भाई साहब, बल्ब का फिलामेंट का रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होना चाहिए है ना, रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट, तभी तो वो चमकेगा। तो रेजिस्टेंस और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ज़्यादा। फ्यूज वायर क्या होता है कि मेन सप्लाई पर लगा होता है, ठीक है। अगर इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तब तो सही है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फ्लो होने लग गया तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है, ठीक है, वो भी कैसा होना चाहिए, वो कम होना चाहिए, अदरवाइज ज़्यादा करंट फ्लो करेगा और फिर आपके घर के जो इलेक्ट्रिक अप्लाइंस हैं वो यहाँ पर खराब हो जाएंगे, ठीक है। सो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, हु इज कंसिडर्ड फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर, जो गुप्ता एम्पायर था, ठीक है, इसको गोल्डन एज कहते हैं ना, क्योंकि इस टाइम पीरियड पर गोल्डन वगैरह वाली जो चीज़ें थी है ना, गोल्ड वगैरह बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्वाइन वगैरह करे गए थे, ठीक है। तो याद रखिएगा गोल्डन एज इसको यहाँ पर कहते हैं। अच्छा तीन क्वेश्चन और मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट बता देता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन, मैक्सिमम गोल्ड क्वाइन, ठीक है, जो मैक्सिमम गोल्ड क्वाइन है वो किसके टाइम पीरियड पर आए थे, तो वो गुप्ताज के टाइम पीरियड पर आए थे है ना, एक तो ये क्वेश्चन बनेगा है ना। उसके बाद इंडो आर्यंस जो थे ये पहले थे, सॉरी इंडो आर्यंस ने, इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक जो लोग थे वो लोग पहले थे, वो यहाँ पर क्या किया था, उन्होंने जो गोल्ड क्वाइन है उसको यहाँ पर मिंट किया था, पहली बार जो है उन्होंने यहाँ पर किया था। अच्छा गुप्ता एम्पायर के जो फाउंडर हैं ये कौन है, ये कहलाएंगे ऑप्शन नंबर ए। अच्छा समुद्रगुप्त के दो नाम हैं, दोनों पेपर में आ चुके हैं, पहला है नेपोलियन बोलते हैं, नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है, और उसके बाद दूसरा इनको बोलते हैं कविराज। ये दोनों नाम किसके हैं, ये समुद्रगुप्त के आपके नाम देखने को मिलेंगे। चंद्रगुप्त टू के टाइम पीरियड पर कौन आया था, यहाँ पर आया था फायान, ठीक है, कौन आया था, फायान विजिट किया था, ठीक है। इन्होंने एक उपाधि ली थी जिसको बोलते हैं विक्रमादित्य, तो विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने यहाँ पर ली थी। हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पर कौन आया था, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पर जो है ना, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पर आया था ह्वेन सैंग, ठीक है, ह्वेन सैंग हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पर आया था। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मैगस्थनीस सेलुकस, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, स्प्रिंग टाइड्स अकर ऑन, जो स्प्रिंग टाइड्स होती हैं वो कब अगर करती हैं, न्यू मून डे ओनली, फुल मून डे एज वेल एज न्यू मून डे, फुल मून डे ओनली द डे व्हेन द मून्स पोजिशन इज इन इट्स फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है, तो फर्स्ट क्वार्टर में है तब यहां पर, बताइए इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो यहां पर क्या होगा। जो स्प्रिंग टाइड है वो आपको कब देखने को मिलेगी, न्यू मून डे ओनली, फुल मून डे एज वेल एज न्यू मून डे,
फुल मून डे ओनली द डे वेन द मून्स पोजिशन इज इन इट्स फर्स्ट क्वार्टर। ठीक है, तो इसको मैं आपको डायग्राम की मदद से दिखाना चाहता हूँ। दो तरीके की टाइड्स हैं। पहली जो टाइड है ये आपकी स्प्रिंग टाइड, और स्प्रिंग टाइड इसका जो हमारा राइट आंसर है ना, ये फुल मून डे एज वेल एज न्यू मून डे, ठीक है, दोनों इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये है आपकी स्प्रिंग टाइड्स और ये है आपकी नीप टाइड। टाइड्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट वेन सन अर्थ एंड मून आर ऑल इन अ लाइन। ठीक है, तो ये तीनों आपको लाइन में देखने को मिल रहा है, तो ये क्या है, ये आपको स्ट्रॉन्गेस्ट यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, दिस हैपन्स वेन द मून इज इन आइदर द न्यू मून और द फुल मून पोजिशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब एक होती है नीप टाइड्स, वीकर टाइड्स है ना, ये वीक टाइड्स होती हैं आपकी, वेन द मून इज इन द फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर पोजिशन। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो मून अगर पहले और तीसरे क्वार्टर की पोजिशन पर होगा तब नीप टाइड्स देखने को मिलती है। ऑल्सो रिगार्डलेस इफ इट इज अ स्प्रिंग टाइड और अ नीप टाइड, देर आर ऑलवेज टू हाई टाइड्स, वन ऑन द साइड फेसिंग द मून वाइल द अदर हाई टाइड इज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो बेसिकली ये परपेंडिकुलर में आपको ये देखने को मिल रहा है और यहाँ पर सेम लाइन है, बस आप ये स्ट्रॉन्ग वीक का अंतर याद रखिएगा और ये होती कब है इसके बारे में आप याद रखिएगा, है ना। इसमें क्या होता है कि जो आपका अट्रैक्शन फोर्स होता है मून और सन के बीच में, उसकी वजह से ये टाइड्स आपको देखने को मिलती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थ का जो कंप्लीट वन रोटेशन है अपनी एक्सिस पर, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट रोटेशन टाइम, अर्थ का जो रोटेशन टाइम है वो यहाँ पर कितना है, 23 आर 56 मिनट 4.9 सेकंड, 23 आर 10 मिनट 2 सेकंड, 23 आर 10 मिनट 2 सेकंड्स हो गया, 23 आर 30 मिनट्स, या फिर 24 आर। अर्थ का जो रोटेशन टाइम है वो यहाँ पर कितना है। अच्छा, अर्थ ना वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ यहाँ पर रोटेट करती है। ठीक है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि अर्थ का जो अपना रोटेशन टाइम है अपने एक्सिस पर रोटेट करने का, ये कितना है। तो अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है 23 आर 56 मिनट 4.9 सेकंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज डू रिमेंबर इट। ठीक है, और वो यहां पर क्या होगा, वो करीब आप ये कह सकते हैं कि 365 डेज है ना, ये मिलेगा, उसके बाद 5 आर है ना, लगभग ये आपको देखने को मिलेगा। तो 1/4 मिलकर लीप ईयर बन जाता है, तो एक दिन यहां पर ज्यादा हो जाते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर इज ऑलिवर ट्विस्ट, चार्ल्स डिकेंस, चार्ल्स बेबेज, या फिर लवलाइस। आपको बताना है इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो यहां पर क्या होगा, बताइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है, तो फादर ऑफ कंप्यूटर जो है इनका नाम है चार्ल्स बेबेज। ठीक है, अच्छा एक हमारे पास कंप्यूटर है परम। परम क्या है भाई, परम जो है ये सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर, ठीक है, ऊपर दोनों तो पता ही है, ऑलिवर ट्विस्ट एंड चार्ल्स डिकेंस, ये सब ऑथर हैं, किताबें लिखते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कंपोजिशन ऑफ हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक इज, जो हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक है, ठीक है, आपको यह बताना है कि ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कंपोजिशन ऑफ हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक कौन है, ध्रुपद, ठुमरी, गजल, या फिर नन ऑफ दी अबो। आपको बताना है इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो यहां पर क्या होगा। ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कंपोजिशन ऑफ हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक, ठीक है, सबसे पुराना फॉर्म कौन सा है, तो ये म्यूजिक से रिलेटेड है। ठीक है, सो इसका जो हमारा राइट आंसर है यह है आपका ध्रुपद। ऑप्शन नंबर ए जो है ये स्टाइल होता है ना, ध्रुपद गायन स्टाइल है एक, तो ये ध्रुपद आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। इन 1939 सुभाष चंद्र बोस वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, डिफीटिंग पत्ता भाई सितमरैया, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, या वल्लभ भाई पटेल। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे ना, ये हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर हैं ये हमारे पहले। वल्लभ भाई पटेल जो थे ये क्या थे, हमारे होम मिनिस्टर थे। ठीक है, पिता भाई सीतारामैया, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसको हराकर बने थे, बताइए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 1939 का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है,
तो इसमें जो हमारा सही उत्तर है वो कौन है, 1939 में पिता भाई सीतारामैया को हरा दिया था, ठीक है, ये बन गए थे। फिर बाद में गांधी जी ने बोला था कि आप हट जाइए, है ना, फिर इनकी जगह पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए थे, है ना। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये 1939 का जो सेशन है ये त्रिपुरी सेशन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और उसके बाद 1938 का जो कांग्रेस सेशन हुआ था इसमें भी सुभाष चंद्र बोस जी थे, लेकिन ये हरिपुरा सेशन के थे, ठीक है, ये था आपका हरिपुरा सेशन, है ना। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, द शिप बिल्डिंग यार्ड मजगांव डॉक इज लोकेटेड एट, जो शिप बिल्डिंग यार्ड है जिसको हम मजगांव डॉक कहते हैं वो कहाँ पर लोकेटेड है, विशाखापट्टनम में है, कोच्चि में है, कोलकाता में है, या फिर मुंबई में है। आपको बताना है कि इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा। शिप बिल्डिंग यार्ड मजगांव डॉक, जहाँ पर शिप बनाए जाते हैं, है ना, विशाखापट्टनम, कोच्चि, कोलकाता, या फिर मुंबई। सो मजगांव डॉक जो है ये आपको देखने को मिलेगा मुंबई में। सो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। विशाखापट्टनम, कोची, कोलकाता या फिर मुंबई। अच्छा, कोलकाता पोर्ट का नाम क्या हो गया भाई, अभी कोलकाता पोर्ट का नाम चेंज कर दिया हमने। कोलकाता पोर्ट क्या कहलाता है, जैसे कांडला पोर्ट का नाम भी चेंज हो गया है ना। कांडला पोर्ट क्या कहलाता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। ये अभी एनडीए एग्जामिनेशन में आया था, गुजरात में है कांडला। कोलकाता पोर्ट का नाम है पंडित श्यामा प्रसाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द टर्म ब्राउन एयर इज यूज्ड फॉर, जो टर्म है ब्राउन एयर ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, एसिड फ्यूम्स के लिए, फोटोकेमिकल स्मॉग, या सल्फ्यूरस स्मॉग, या फिर इंडस्ट्रियल स्मॉग। ब्राउन एयर जो टर्म है ये किसके लिए यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, ठीक है, एसिड फ्यूम्स, फोटोकेमिकल स्मॉग, सल्फ्यूरस स्मॉग, या फिर इंडस्ट्रियल स्मॉग। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, है ना, और ये थोड़ा साइंस का क्वेश्चन है। ब्राउन एयर, तो ब्राउन एयर जो है ये फोटोकेमिकल जो स्मॉग होते हैं ना उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फोटोकेमिकल स्मॉग ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। यस, फाउंडर ऑफ बीजेपी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, 1980। हाइड्रोजन किसने डिस्कवर करी थी, है ना, हाइड्रोजन जो है उस किसने डिस्कवर करी थी, कैवेंडिश ने, या फिर प्रिस्टले, या फिर बॉयल, या फिर चार्ल्स। आपको बताना है कि हाइड्रोजन डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या है, ठीक है। बैलून्स में हम हीलियम भरते हैं ना, हाइड्रोजन नहीं भरते हैं। हीलियम क्या है, एक तो लाइट भी है, लेकिन ये क्या है कि एयर के साथ रिएक्ट करके जलती नहीं है। हाइड्रोजन जो है वो फ्लूमेबल है, वो उसमें आग पकड़ लेती है, इसलिए बैलून वगैरह में हम उसको फिल नहीं करते हैं। हाइड्रोजन को डिस्कवर करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है कैवेंडिश को, ठीक है। कैवेंडिश ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा राइट आंसर है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एफकेट एग्जामिनेशन में आप देख सकते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर जो एग्जामिनेशन है उसमें ट्रेंड देखेंगे, कुछ ना कुछ जो चीज़ें होती हैं वो आई जाती है पेपर में, है ना, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, विच मुगल एम्परर प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ टोबैको, टोबैको जो है उसको प्रोहिबिट कर दिया भाई साहब कि इसको यहां पर हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है, बताइए, विच मुगल एम्परर प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ टोबैको, मोहम्मद शाह, बाबर, ठीक है, जहांगीर, या फिर औरंगजेब, ठीक है। टोबैको हो गया। अब एक और यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, म्यूजिक प्लस डांस, ठीक है, म्यूजिक और डांस ये दोनों भी प्रोहिबिट कर दिए गए थे, ठीक है, तो उसके बारे में अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप इसका आंसर दीजिए, ठीक है, ठीक है। बॉयल यूज हाइड्रोजन टर्म फॉर द फर्स्ट टाइम, बट कैवेंडिश डिस्क्राइब इट्स एन एलिमेंट, यस। सो यहाँ पर क्या है, इसका जो हमारा राइट आंसर है ये हो गया जहांगीर, और ये हो गया आपका औरंगजेब, ठीक है। जहांगीर क्या है भाई, जहांगीर जो मिलेगा आपको मिलेंगे कि इनके टाइम पीरियड पर जो पेंटिंग्स थी ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। जहांगीर का नाम क्या था, शहजादे सलीम, इनका नाम था सलीम, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनकी वाइफ का नाम था नूरजहां, ठीक है, जो वाइफ थी लेकिन यहाँ पर दिल्ली सल्तनत पर रूल कर रही थी, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान कौन सी डायनेस्टी की हैं, रजिया सुल्तान है स्लेव डायनेस्टी की, ठीक है, ओनली मतलब फीमेल जो सुल्तान थी वो थी रजिया सुल्तान।
ठीक है। सो यहां पर क्या है कि औरंगजेब ने म्यूजिक और डांस जो है उसको यहां पर ये बैन कर दिया था, ठीक है। इसको यहां पर म्यूजिक और डांस को औरंगजेब ने कर दिया था, जहांगीर को जो है वो जहांगीर ने यहां पर टोबैको को कर दिया था, ठीक है। ठीक है, देखो कभी कभी इंडियन नेशनल आर्मी में ना बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि उसकी स्थापना किसने करी थी तो वो डिपेंड करेगा, है ना। जैसे कैप्टन मोहन सिंह का नाम भी यहाँ पर कई बार निकल कर सामने आता है, ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस जी का भी नाम यहाँ पर निकल कर सामने आता है। पिछली बार ये एफकेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन था, तो अब आप लोग क्वेश्चन याद करके आते हो, है ना, और मतलब और आपके ऑप्शंस पता नहीं होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि एनालिसिस करते टाइम कई चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, ठीक है। तो वहां पर जो ऑप्शन था वो केवल सुभाष चंद्र बोस था, ओरिजिनल फाउंडर जो थे वो कैप्टन मोहन सिंह थे, बिल्कुल सही जवाब। और इसका राइट आंसर क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया आपका जहांगीर, है ना। और एक बात और याद रखिएगा, अगर मुगल आर्किटेक्चर के बारे में हम बात करें, ठीक है, मुगल आर्किटेक्चर तो ये किसके टाइम पीरियड पर सबसे ज्यादा आगे बढ़ा, ये बढ़ा शाहजहां के टाइम पीरियड पर, ठीक है, जो शाहजहां हैं उनके टाइम पीरियड पर सबसे ज्यादा आगे बढ़ा। अच्छा अब मुझे ये बताओ, बीबी का मकबरा किसने बनवाया था, ठीक है, बीबी का मकबरा किसने बनवाया था, ठीक है, बीबी का मकबरा, ठीक है। और ये सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर में, 1942-43 में सिंगापुर में इसकी स्थापना करी थी। बीबी का मकबरा जो है ये औरंगजेब ने बनवाया था, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज कॉल्ड हनीमून लेक, ठीक है। इनमें से कौन सी लेक है जिसको हम यहां पर हनीमून लेक कहते हैं, बताइए इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा, ठीक है। हनीमून लेक जो कहा जाता है ये कहा जाता है लेक टिटिकाका को, और लेक टिटिकाका कहां पर मिलेगी आपको भाई, कौन से कॉन्टिनेंट में मिलेगी बताइए। ये जो कॉन्टिनेंट है ये हमारा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, वहां पर ये देखने को मिलेगी। दो कंट्री की बॉर्डर के किनारे ये आपको मिलेगी, पहली है बोलिविया, ठीक है, बोलिविया, और दूसरी हो गई आपकी पेरू। पेरू की जो कैपिटल है वो यहां पर क्या है भाई, ठीक है, पेरू की जो कैपिटल है यह है आपकी लीमा, और बोलिविया की दो कैपिटल है, पहली है लापाज, ठीक है, दोनों याद रख लेना आप, और दूसरा है सुसरे, ठीक है, दोनों आपको देखने को मिलेगी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हाईएस्ट लेक इन वर्ल्ड। अब आपको यह बताना है हाईएस्ट लेक कौन सी है दुनिया की, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो ये आपकी हाईएस्ट लेक है, इसके बारे में बात हो रही है। तो अभी यहां पर क्या हुआ कि एक लेक निकलकर सामने आई है जिसको बोलते हैं कजिन सरा लेक, है ना। कजिन सरा कहां पर है, ये आपको मिलेगी नेपाल में, तो ये अभी हाईएस्ट लेक है, इससे पहले लेक टिटिकाका आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इससे पहले लेक टिटिकाका थी लेकिन अब कजिन सरा है, लेकिन फिर भी आप ऑप्शन देख लीजिएगा कि ऑप्शन यहां पर क्या दिया गया है, ठीक है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, द अशोकन इंस्क्रिप्शन वर इनग्रेव्ड इन विच स्क्रिप्ट, ठीक है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि अशोकन जो इंस्क्रिप्शन है वो यहां पर क्या है कि कौन से मतलब स्क्रिप्ट में यहां पर इनग्रेव है, ठीक है, मगधी, ब्रह्मी, या फिर पाली, या फिर देवनागरी स्क्रिप्ट। आपको बताना है इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो यहां पर क्या होगा, ठीक है। इसको डिसाइफर करने वाले कौन थे, ये प्रीवियस ईयर एफकैट एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो उनका नाम था जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप। और इनका जो स्क्रिप्ट है वो किस में यहाँ पर इनग्रेव किया गया है, सो दैट इज ब्राह्मी स्क्रिप्ट, है ना। ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, चंद्रगुप्त मौर्य स्पेंट हिज लास्ट डेज एट, जो चंद्रगुप्त थे उन्होंने यहां पर अपने जो आखिरी समय था वो कहां पर व्यतीत किया था। चंद्रगुप्त मौर्य से पहले जो डायनेस्टी थी ना वो थी नंदा डायनेस्टी, ठीक है, और नंदा डायनेस्टी के बाद यहां पर आए चाणक्य, चाणक्य का अपमान हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य की मदद करी, और नंदा डायनेस्टी और मेगस्थनीज वगैरह जो हैं ये सब चीज़ों को मिलाकर मौर्यन जो एम्पायर था उसको यहां पर इस्टेब्लिश किया था। लेकिन बाद में ये बन गए जैन मुनि, है ना, बाद में इन्होंने जैन धर्म यहाँ पर अपना लिया और कर्नाटक चले गए, ठीक
ठीक है, कर्नाटक में श्रवण बाल बेलगोला। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, श्रवण बेलगोला जो है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर इक्लिप्स अकर्स व्हेन। ठीक है, अब हम सूर्य ग्रहण के बारे में बात कर रहे हैं, जो सोलर इक्लिप्स होता है वो कब होता है। द मून डज नॉट लाई ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द सन एंड द अर्थ, द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ, द सन कम्स बिटवीन द मून एंड द अर्थ कम्स बिटवीन द मून एंड द सन। ठीक है, आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर क्या है। द सन कम्स बिटवीन द मून एंड द अर्थ कम्स बिटवीन द मून एंड द सन। आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो इसको डायग्राम से समझेंगे। सबसे पहले हम सोलर इक्लिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सोलर इक्लिप्स में ये सन हो गया, ठीक है, और ये धरती हो गई, और यहाँ पर ये चंद्रमा आ गया। ठीक है, तो बीच में कौन आ गया भाई साहब, बीच में आ गया मून। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द मून कम्स बिटवीन द सन एंड अर्थ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा सही उत्तर हो गया। ठीक है, लेकिन लूनर इक्लिप्स में क्या होता है कि सन और मून के बीच में कौन आ जाता है, अर्थ आ जाती है। ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन आता है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लोकेटेड। आपको बताना है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इटली में है, स्विट्जरलैंड में है, बेल्जियम में है, या फिर फ्रांस में है। ठीक है, तो आपको बताना है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लोकेटेड, इटली, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम या फिर फ्रांस। ठीक है, तो ये मिलेगा आपको स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर है। सो ये आपको लुसेन में यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, लुसेन एक शहर है, वहां पर है। अच्छा, 2020 के जो होने वाले हैं वो कहां पर होंगे, वो टोक्यो में होंगे। ठीक है, आज से पहले कभी भी ओलंपिक गेम्स को पोस्टपोन नहीं किया गया था, ये पहली बार पोस्टपोन हुआ है। ठीक है, और उसके बाद 2024 के जो होंगे वो पेरिस में होंगे, सबसे पहले ये भी ध्यान रखना। और 2028 के जो हैं ये आपको लॉस एंजल्स में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इंडिया ने टोटल गोल्ड कितने जीते हैं ओलंपिक में, 9 गोल्ड जीते हैं। हॉकी में पहला जीता था 1928 में, लास्ट जीता था 1980 में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसेल्स, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर हैं, पहला नेटो का और दूसरा यूरोपियन यूनियन का। यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 कंट्रीज हैं, 19 कंट्रीज जो हैं वो यूरो यूज़ करती हैं। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स हैं, जैसे यूनेस्को के बारे में बात कर लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के बारे में बात कर लीजिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इन सब के जो इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स हैं ये आपको पेरिस में देखने को मिले थे। ठीक है, वर्ल्ड जो यहाँ पर तीन बार जो है वो ओलंपिक गेम्स वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड पर पोस्टपोन हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन ये नॉट पोस्टपोन, कैंसिल हुए हैं, ये पहली बार पोस्टपोन हुए हैं। ठीक है, पहले कैंसिल किया जा चुका है, पोस्टपोन कभी नहीं हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46। द फेमस सन टेम्पल एट कोणार्क वॉज बिल्ट बाई, जो सन टेम्पल है कोणार्क का ये किसने बनवाया है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है प्रताप परूदार, और उसके बाद अनंत वर्मन, या फिर नरसिम्ह वन, या फिर नरसिम्हा टू। आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। द फेमस सन टेम्पल एट कोणार्क वॉज बिल्ट बाई, ठीक है, तो आपसे डायनेस्टी भी पूछी जा सकती है ना, कि कौन सी डायनेस्टी ने बनवाया था। तो डायनेस्टी जो थी ये थी आपकी गंगा डायनेस्टी। ठीक है, और गंगा डायनेस्टी के रूलर कौन थे, ये थे नरसिम्हा वन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेज इज नॉट ऑब्जर्व इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर मंथ में इनमें से कौन से, मतलब कौन सा दिन है जो यहां पर ऑब्जर्व नहीं किया जाता। ठीक है, इनमें से कौन सा दिन है जो ऑब्जर्व नहीं किया जाता, आपको बताना है इसका हमारा जो सही उत्तर है वो यहां पर क्या होगा। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस आज है 2 अक्टूबर को, इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को आता है, यूएन डे आता है 24 अक्टूबर को, यूएन का फाउंडेशन 1945 में हुआ था, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो है ये आता है आपका 5 जून को, ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट वाज द कोड नेम फॉर द इंडियन एयरफोर्स ऑपरेशंस ड्यूरिंग द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1999, बताइए। आपको बताना है इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा। व्हाट वाज द कोड नेम फॉर द इंडियन एयरफोर्स ऑपरेशन ड्यूरिंग द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1999, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन भीगदूत, ऑपरेशन सफेद सागर या फिर ऑपरेशन ट्राइडेंट। ये तो 1971 का था, है ना, जब इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन मेघदूत 1984, है ना, जो सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर कौन सी माउंटेन पे है, ये मिलेगा आपको काराकोरम में। पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने सियाचिन पे विजिट किया था, फर्स्ट पीएम जो सियाचिन गए थे वो कौन थे, वो थे मनमोहन सिंह जी, ठीक है, मनमोहन सिंह जी थे जो सियाचिन गए थे, ठीक है, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Who was the first woman to win the Gyanpith Award in 1976? ठीक है, जो 1976 था उसमें जो पहला यहाँ पर वुमेन थी जिनको यहाँ पर अवार्ड दिया गया, ये लिटरेरी फील्ड में, लिटरेचर में ये दिया जाता है, ठीक है, ये लिटरेचर में दिया जाता है। ऑपरेशन विजय जो था वो आर्मी वाला जो हमारा ऑपरेशन था उसका नाम था ऑपरेशन विजय, ठीक है। तो आपको बताना है महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, माहेश्वरी देवी या फिर आशा पूर्णा देवी। तो इसका जो हमारा सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, आशा पूर्णा देवी को 1976 में यहाँ पर ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से पीस टाइम जो गैलेंट्री अवार्ड है वो यहाँ पर कौन सा है, ठीक है, शौर्य चक्र, वीर चक्र, युद्ध सेवा मेडल या फिर परमवीर चक्र, ठीक है, आपको बताना है इसका हमारा सही उत्तर क्या है। मैं आप लोगों को ना वॉर टाइम पर दिए जाने वाला एंड पीस टाइम पर दिए जाने वाला जो भी अवार्ड है वो बता देता हूँ, ठीक है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, इसके इक्विवेलेंट अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र, ठीक है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। इसके बाद सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सॉरी परम विशिष्ट सेवा मेडल, ये होगा PVSM, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल एंड विशिष्ट सेवा मेडल, ठीक है, ये सारे वॉर टाइम पर, पीस टाइम पर दिए जाने वाले अवार्ड हैं और उनकी हायरार्की मैंने आपको बता दी है, ठीक है, ये कौन सा है। तो इनमें से पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड वीर चक्र नहीं है, युद्ध सेवा मेडल नहीं है, परमवीर चक्र नहीं है, शौर्य चक्र इज द राइट आंसर। कितने लोगों को परमवीर चक्र दिया जा चुका है आज तक, टोटल कितने लोग हैं जिनको परमवीर चक्र दिया गया है, सो दैट इज 21। पहले कौन है, पहले थे मेजर सोमनाथ शर्मा जी, ठीक है, पहले थे मेजर सोमनाथ शर्मा जी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग गॉट द भारत रत्न अवार्ड बिफोर बिकमिंग द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले उनको भारत रत्न जो अवार्ड था वो यहां पर दे दिया गया था, आपको बताना है कि उनका नाम क्या है, आर वेंकटरमन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर वीवी गिरी, ठीक है, डॉक्टर वेंकटरमन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर वीवी गिरी, आपको बताना है कि इसका जो हमारा सही उत्तर है वो यहां पर क्या है, ठीक है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है दैट इज डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन की हार्नेस में मृत्यु हुई थी इन ऑफिस, जब ये ऑफिस में थे तब इनकी मृत्यु हुई थी, बदरुद्दीन जो हमारे अगले जो हमारे मुस्लिम प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, उनकी भी यहाँ पर मृत्यु जो है वो आपको इन ऑफिस, हार्नेस वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि किनकी मृत्यु यहाँ पर ऑफिस में हुई थी, है ना, या नहीं हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इन ऑफिस में जो यहाँ पर आपको मृत्यु होती हुई दिखाई दी है, एक तो आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन की देखने को मिली है और उसके बाद इन ऑफिस में जो दूसरी मृत्यु हुई है ये हुई है आपकी फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, फखरुद्दीन
अली अहमद, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, लोकसभा स्पीकर जो प्रेसिडेंट बने वो कौन थे, वो थे नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है, लोकसभा स्पीकर थे ये, इलेक्टेड अनअपोस्ट, ठीक है, इलेक्टेड अनअपोस्ट, ये भी ध्यान रखना, ये प्रीवियस ईयर एफकेट एग्जामिनेशन में पूछा गया है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 दिया हुआ है कि द ओनली लीडर हु गॉट द भारत रत्न अवार्ड, ठीक है, व्हाइल होल्डिंग द ऑफिस ऑफ द यूनियन होम मिनिस्टर इज, ठीक है, वो यहां पर क्या थे कि वो यूनियन होम मिनिस्टर भी थे, लेकिन वो पहले यूनियन होम मिनिस्टर थे जिनको भारत रत्न अवार्ड उस टाइम पर यहां पर दे दिया गया था, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारीलाल नंदा या फिर गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, आपको बताना है इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो यहां पर क्या होगा, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, गुलजारीलाल नंदा या फिर गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, तो इसका जो हमारा सही उत्तर है ये है ऑप्शन नंबर डी। भारत रत्न अवार्ड फर्स्ट टाइम कब दिए गए थे, पहली बार भारत रत्न अवार्ड कब दिए गए थे, है ना, तीन लोगों को दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, और उसके बाद सीवी रमन, ठीक है, और उसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है, तो ये सारे लोगों को दिया गया था। टोटल कितने लोगों को दिया गया है आज तक, 48 लोगों को, ठीक है, तीन लोग कौन कौन से हैं, प्रणब मुखर्जी जी, दूसरे कौन है, दूसरे हैं भूपेन हजारिका जी, और तीसरे हैं नानाजी देशमुख जी, ठीक है, नानाजी देशमुख, ये तीन लोगों को दिया गया है। पांच वुमेन हैं जिनको आज तक दिया गया है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी जी को दिया गया है, लता मंगेशकर जी को दिया गया है, एम एस सुबलक्ष्मी को दिया गया है, उसके बाद अरुणा आसफ अली को दिया गया है ना, अरुणा आसफ अली जी को दिया गया है, इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर, एम एस सुबलक्ष्मी, अरुणा आसफ अली, और एक और कौन है, एक है मदर टेरेसा, ठीक है, तो एक है आपकी मदर टेरेसा, ठीक है, 1954 में पहली बार दिया गया था, बहुत खूब, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। वन ऑफ द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर रिसीव द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न, इनमें से कौन से हैं, ठीक है, जिन चीफ मिनिस्टर जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला है, ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है, लालू प्रसाद यादव, लेट एम जी रामचंद्रन ऑफ तमिलनाडु, ज्योति बसु ऑफ वेस्ट बंगाल, एंड लेट एन टी रामाराव ऑफ आंध्र प्रदेश, है ना, इनमें से कौन है जिनको, जो चीफ मिनिस्टर थे लेकिन उनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया है, ठीक है, तो ये थे तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है एम जी रामचंद्रन, ठीक है, जिनको एम जी आर के नाम से भी जाना जाता है, तो एक फिल्म एक्टर भी थे ये, और बाद में फिर ये चीफ मिनिस्टर भी बने तमिलनाडु के, ठीक है, वहाँ पर जो पार्टी है वो है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम, ठीक है, ये कहाँ से निकली है, ये निकली है डीएमके से, डीएमके में कौन है, करुणानिधि जी, यहाँ पर कौन थी, जयललिता जी, ठीक है, अभी लड़ाइयाँ चल रही हैं यहाँ पर, है ना, पनीर सेल्वम और एड्डापट्टी के पलनीस्वामी, है ना, उनके बीच में, देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, हु वॉज द फर्स्ट पॉस्ट्यूमस रिसिपियंट ऑफ भारत रत्न, ठीक है, मतलब मृत्यु के बाद सबसे पहली बार भारत रत्न किसको दिया गया था, ठीक है, एम जी रामचंद्रन, बी आर अम्बेडकर, के कामराज या फिर लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, आपको बताना है कि इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो यहाँ पर क्या होगा, पॉस्ट्यूमसली भारत रत्न जो सबसे पहले दिया गया है वो किसको दिया गया है, ठीक है, एम जी रामचंद्रन, बी आर अम्बेडकर, के कामराज या फिर लाल बहादुर शास्त्री, तो पॉस्ट्यूमसली दिया जाने वाला जो भारत रत्न अवार्ड है ये लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया है। ताशकंद याद रखिएगा, ताशकंद, है ना, ताशकंद में इनकी मृत्यु हुई थी, उज्बेकिस्तान की ये कैपिटल है, है ना, उज्बेकिस्तान की। अच्छा, कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है भाई, कजाकिस्तान की कैपिटल चेंज हो गई है ना, पहले अस्ताना थी, अब क्या हो गई है, अब हो गई है नूर सुल्तान, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, खत्म हो गए क्वेश्चन, ठीक है, तो यहाँ पर ये करीब मैंने आज आपके साथ जो है 54 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए हैं, एंड आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, है ना, और जो भी मैंने यहाँ पर आपको बैकग्राउंड थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन बताई है, ठीक है, वो भी आपको समझ में आई होगी। और इस तरीके के सेशन जो हैं, अब क्योंकि 3 तारीख को एग्जामिनेशन ही है ना, तो उनका जो भी एनालिसिस होगा, जो भी जीके के क्वेश्चन वगैरह मिलेंगे उनका एनालिसिस भी मैं आपके साथ करूँगा, और जो भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड टॉपिक्स होंगे कल के पेपर को देखने के बाद, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को यहाँ पर अच्छी तरीके से कवर कर सकें, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन गाइस, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, अगर नहीं अच्छा लगा है तो बिंदास तरीके से डिसलाइक करें, डू मेंशन क्यों नहीं अच्छा लगा,
ताकि जो आगे का सेशन हो उसमें हम इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, मिलते हैं हमारी अगले सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो, एग्ज़ाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय।